अब बात धरती के देवदूतों की कर लेते हैं। आपदा में तो एनडीआरएफ के जवान अक्सर देवदूत बनकर लोगों को बचाते हुए नजर आते हैं, लेकिन एनडीआरएफ लोगों को आपदा से लड़ने के लिए तैयार भी करती है। आने वाले मॉनसून सीजन को देखते हुए एनडीआरएफ ने वाराणसी में एक विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक और प्रशिक्षित किया ताकि वो बाढ़ बारिश में डूबने से खुद को बचा सके और दूसरों की भी जान बचा सके। देखिए, काशी के घाट पर लोगों को डूबने से बचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। डूबे हुए पीड़ित के शरीर से पानी निकालने की तकनीक सिखाई जा रही है। सीपीआर देना सिखाया जा रहा है। जिंदगी बचाने की ये ट्रेनिंग एनडीआरएफ के वो जवान दे रहे हैं जिन्हें आपने अक्सर आपदा के समय लोगों की जान बचाते देखा है, लेकिन बारिश बाढ़ जैसी आपदा में आप खुद की और दूसरों की जान कैसे बचा सकें, इसकी ट्रेनिंग एनडीआरएफ वाराणसी के घाटों पर दे रही है। बुधवार को एनडीआरएफ ने वाराणसी के राजघाट पर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया, जिसमें पुलिस मल्लाहों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बनारस के अलग अलग घाटों में कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि अभी जैसा मानसून के समय आ रहा है, मानसून के समय में लोगों को कैसे सुरक्षित बचाया जा सके। अगर बनारस में देखिए, अलग अलग घाटों पर ड्राउनिंग केस होते रहती है आए दिन, क्योंकि बनारस में लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, इसलिए आज यहां पर राजघाट पे कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया। इस मुहिम के दौरान घरेलू संसाधनों से तैरने वाले उपकरण बनाने की जानकारी दी गई। अलग अलग तरीके से टेक्निक सिखाया गया, लोकल संसाधन के माध्यम से अगर हमारे पास कुछ भी ना हो तो उसको किस तरह से इस्तेमाल करके जो भी व्यक्ति डूब रहा है उसे हम कैसे सुरक्षित निकाल सकते हैं। इन केस अगर कोई व्यक्ति डूब गया है, अनकॉन्शियस हो गया है, बेहोशी की हालत में है, उसे कैसे हम सीपीआर देके उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं, ये सारी ट्रेनिंग जो है लोकल लोगों को यहाँ दिया गया। देवनगरी काशी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते रहे हैं, पूजा अर्चना के लिए घाटों पर भी जाते हैं, बोटिंग करते हैं। इस दौरान कई बार डूबने की घटनाएं भी होती हैं, लिहाजा आने वाले मानसून सीजन में इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए एनडीआरएफ काशी के सभी घाटों पर जीवन रक्षा मुहिम चला रही है ताकि हर एक जिंदगी सुरक्षित रखी जा सके। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।